Hello friends, welcome back to my channel. So today we will learn about the mass communication theory of social change. In that, we will learn about the stages of moral development given by Lawrence Kohlberg. Psychologist Lawrence Kohlberg was specially interested in how children develop their ability to make moral decisions. इसका मतलब ये है कि कोलबर्ग इस बात में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे कि वो ये जानना चाहते थे कि बच्चे कैसे नैतिक निर्णय को लेने की क्षमता रखते हैं. द फर्स्ट लेवल इज द प्री कन्वेंशनल लेवल. सो इन दिस द फर्स्ट स्टेज पीपल आर मोटिवेटेड बाय ट्राइंग टू अवॉइड पनिशमेंट. देयर एक्शंस आर बैड इफ दे गेट पनिश्ड एंड गुड इफ दे डोंट. So in this stage, we'll take an example that Lauren is a girl. Give her father the money because she doesn't want him to punish her. इसका मतलब ये है कि first stage वो होता है जिसमें हम ऐसे महसूस करते हैं कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें सजा जरूर मिलती है, और अगर हमें सजा नहीं मिलती इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं की. तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले रहे हैं कि लॉरेन पैसे अपने पापा को दे देती है क्योंकि वह नहीं चाहती है कि वो उसको सजा दे. एट द सेकेंड स्टेज पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट. And for example, Lauren at this stage would likely keep the money thinking that even if she can't afford a bike, she can use it to buy something else good for herself. दूसरे चरण में हमसे यह लोग कहना चाहते हैं कि आत्मरुचि से प्रेरित किया जाता है. इस स्तर पर लॉरेन पैसे रखने की सोच रखती है क्योंकि यह सोचकर कि अगर वह बाइक नहीं खरीद सकती है तो क्या हुआ, वो उन पैसों को कहीं और इस्तेमाल करके कुछ और चीजें ले सकती है. मतलब इस पॉइंट में हमारा जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि हम ये नहीं तो ये कर लेते हैं, वो इस स्टेज में दर्शाया गया है. द सेकेंड लेवल इज कन्वेंशनल लेवल. इन दिस लेवल ऑल्सो वी हैव टू स्टेजेस एंड द थर्ड स्टेजेस. इन दिस adolescents typically operate at this level, as do some adults. In the stage 3, people make moral decisions based on getting people to like them. So for an example, Lauren might decide to give her father the money because this will improve her relationship with him. But if her mother is upset by her father's drinking, she might decide to give the money to her mother in order to be a good girl in her eyes. So her decision would be based on whichever social relationship seemed most important. इसका मतलब ये है कि यह स्टेज उन जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे 18 साल के हो जाते हैं, जो टीनेजर्स में होते हैं, जो बच्चे नहीं रहते हैं, तो वो उन रिलेशंस को ज़्यादा निभाते हैं जो उनकी नज़र में बहुत अच्छे होते हैं. तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये लिया है कि लॉरेन सोच सकती है कि वो पैसे अपने पापा को दे दे ताकि वो उनसे अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हो. या फिर ये भी हो सकता है कि जब लॉरेन अपने पापा को पैसे दे तो उसकी मम्मी शायद ना खुश हो क्योंकि उसके पापा बहुत ड्रिंक करते हैं और वो पैसे ड्रिंक में उड़ा देते हैं. तो लॉरेन अपनी मम्मी को खुश करने के लिए, उनकी नज़र में एक अच्छी बेटी होने के लिए, वो शायद पैसे उसकी मम्मी को दे देंगी ताकि उनका रिलेशनशिप अच्छा हो सके. In stage 4, moral reasoning centers around maintaining a functional society by recognizing that laws are important, the individual needs. In this stage, Lauren probably wouldn't give her father the money because his alcoholism is disruptive to the stability of their family and community. सो चौथे चरण में हमको ये समझाने की कोशिश की है कि जो हमारे रिश्ते होते हैं वो हम सोसाइटी के दौर पे होते हैं, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉ होती है जो हर एक इंसान को फॉलो करनी होती है. तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये लिया है कि लॉरेन पैसे अपने डैडी को नहीं देंगी क्योंकि अगर डैडी वो पैसे ड्रिंक करने में उड़ाते हैं तो उनकी वजह से सोसाइटी में, उनकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि वायलेंस होता है, सारी चीज़ें होती है. तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए
लॉरेन पैसे अपने डैडी को नहीं देती है ताकि कोई रूल्स एंड लॉ जो कम्युनिटी से रिलेटेड हो वो ब्रेक ना हो। द नेक्स्ट लेवल इज द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इन दिस लेवल वी हैव द स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। द चाइल्ड और द इंडिविजुअल बिकम्स अवेयर दैट वाइल रूल्स माइट एग्जिस्ट फॉर द गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, देर आर टाइम्स वेन दे विल वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स। द इश्यूज आर नॉट ऑलवेज क्लियर एंड कट। फॉर एग्जाम्पल, इन हेंस डिलेमा, द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ब्रेकिंग द लॉ अगेंस्ट स्टीलिंग। स्टेज 5 में हमें ये बताने की कोशिश की है कि कभी कभी जीवन को बचाने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ने पड़ते हैं। जैसे आप समझिए कि अगर कोई एक गरीब फैमिली है और उनके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है एंड शायद उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है या दवाई खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तो शायद कभी मजबूरी में आके कोई इंसान अपने परिवार को बचाने के लिए चोरी चकारी कर सकता है। पर वो इंसान क्योंकि अपने घर में किसी की जान बचाने के लिए वो कर रहा है तो शायद वो नेग्लिजिबल होगा। स्टेज 6, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। पीपल एट दिस स्टेज हैव डेवलप्ड देयर ओन सेट ऑफ मॉरल गाइडलाइंस व्हिच मे और मे नॉट फिट द लॉ। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू एवरीवन, एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स, जस्टिस एंड इक्वालिटी। द पीपल will be prepared to act to defend these principles even if it means going against the rest of society in the process and having to pay the consequences of disapproval or imprisonment. Kohlberg doubted few people reach this stage. Stage 6 mein ek universal siddhant hai jo har logo par individually apply hota hai, kyunki aise hota hai na, ek insaan ke rules शायद दूसरे इंसान के रूल्स और लॉज को वो फिट नहीं करता होगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आज की वीडियो में अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और आज हमने स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को पढ़ा है, इसमें कुल मिला के 6 स्टेजेस होते हैं, तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से पढ़िए और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।